लगता है क्योंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनने 35 साल में कुछ किया ही नहीं, और इसलिए आपने देखा होगा कि उनकी जितनी सभा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका जी, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज़्यादा और क्या खराब हो। हम सिर्फ, हमारे जितने भी वक्ता आए सब ने विकास की बात, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। लोकतंत्र के महापर्व पर आज मतदान किया है और लोगों का संदेश देना चाहिए। लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। ये कमल के बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है, ये कमल के बटन दबाने से तिरंगा कश्मीर के लाल चौक से लेके चांद तक फहराया जाता है, ये कमल का बटन गरीबों को आवास लेके आता है, ये कमल का बटन शौचालय लेके आता है, ये कमल का बटन गेहूँ लेके आता है, निःशुल्क गेहूँ लेके आता है, ये कटम का बटन वंदे भारत ट्रेन लेके आता है। माई का आशीर्वाद ले लिया दतिया और मध्य प्रदेश में, कितने प्रतिशत जनता का आशीर्वाद लिया? 100% का मिलेगा। कितनी सीटें आ रही मध्य प्रदेश में? 150 से ऊपर, 2/3 बहुमत भी आ सकता है। मध्य प्रदेश की जीत में अगर कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर रहेगा, क्या विकास के लिए क्या योगदान रहेगा? विकास किया है, विकास करेंगे, एक ही नारा है हमारा, विकास किया है, विकास करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए कमल का बटन दबाइए, हिंदुस्तान में बनती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन मध्य प्रदेश में जब व्यक्ति दबाएगा तो सेना सीमा पर सैनिक की बाजुएं मजबूत होंगी, पाकिस्तान में दहशत होगी कि मोदी जी जीत रहे हैं। कमल का बटन दबाने से आतंकवादियों में दहशत होती है, और इसलिए कमल का बटन दबाना चाहिए। जो भी सीमा पर नहीं जा पाते हैं देश की सेवा के लिए, ये एक सेवा का अवसर है, सबको कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र हित में अपना योगदान करें। अपना योगदान वो विकास के लिए करें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय मोदी जी ने ये कमल का बटन कहा है, कमल का बटन यहाँ दबता है आवास आता है गरीब के लिए, कमल का बटन दबाते हैं आप तो शौचालय आता है गरीब के लिए, कमल का बटन दबाते हैं तो निःशुल्क खाद्यान्न आता है मोदी जी के द्वारा, कमल का बटन दबाते हो तो कोरोना जैसे आपातकाल में भी मोदी जी ने वैक्सीन का निर्माण करके देते हैं। ये एक कमल के बटन की विशेषता है कि वंदे भारत ट्रेन आती है इस कमल के बटन दबाने से, ये कमल के बटन दबाने से देश में शांति आती है, कमल का बटन दबाने से देश में सुरक्षा आती है, कमल का बटन दबाने से देश में संपन्नता आती है। सनातन की मजबूती के लिए भी कमल का बटन आवश्यक है। बिल्कुल निश्चित रूप से सनातन की मजबूती, वो जो लोग सिर्फ सनातन पर ही सवाल उठाते हैं, इसके लिए भी कमल का बटन दबाना जरूरी है। तो इस चुनाव में पाकिस्तान भी आ गया? पाकिस्तान आ नहीं गया है कि वहाँ जो आतंकवादी है उनमें दहशत आती है। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश में भाजपा जीतेगी और पाकिस्तान में दहशत आएगी? तो आतंकवादी में दहशत आएगी भाई कि मोदी जी की पार्टी जीत रही है। विस्तार से बाद में वोट डालने के बाद करूंगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है, लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है, बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। हमें देखेंगे उन्हें विकास ही विकास दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ परम पूज्य शिव अवसर जी कहते थे सोते को जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने का बहाना करे उसे नहीं जगाया जा सकता। कांग्रेस की स्थिति यही है, वो देखने के बाद भी अगर उसको नहीं दिख रहा है तो इसका उत्तर जनता देगी।